हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन सहा। स्वागत है आप सबको मेरा चैनल में। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे ही होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आ गई हूँ अपनी मन की बात शेयर करने के लिए। तो आज का विषय है काला लड़की या तो बदसूरत लड़की। तो फ्रेंड्स, बदसूरत लड़की जो होती है या तो काला जो जन्म ले लेती हैं लड़की घर में, तो उनका घर में भी सभी लोग बोलने लगते हैं और बाहर में भी सुनना पड़ता है कि वो काली है बोल के। तो आप लोगों को क्या लगता है, इस तरीका से बोलनी चाहिए काला है बोल के? वो तो भगवान के देन है ना फ्रेंड्स। भगवान जिसे जैसे जाना है वैसा ही जन्म लेना है। तो इसीलिए इस बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी, छोटी सी कहानी भी बताऊँगी एक काला लड़की के लिए। तो बने रहिए मेरा। जिस घर में फ्रेंड्स काला लड़की जन्म लेती हैं, उन माँ बाप को पहले से ही मतलब प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि काला लड़की है मेरा, इस कहाँ इसको शादी देना है, इसके लिए बहुत खर्चा होने वाला है और इसको पढ़ाई लिखाई कराना है या तो मतलब काम काज बहुत ज़्यादा करवाना है, ज़्यादा सिखाना है। वही गोरा लड़की, खूबसूरत लड़की अगर जन्म ले लेती है तो उतना टेंशन नहीं रहता है। क्यों? मुझे मेरा मन की बात है फ्रेंड्स। क्यों? काला लड़की भी हो तो भगवान की देन है ना, उसको पढ़ाई लिखाई उसका क्वालिटी पे जाए फ्रेंड्स। वो कैसी है, कैसी उसका क्वालिटी कैसा है, उसका शक्ल से क्या है। अगर कोई क्रीम ही लगाती रहेगी तो भी घर के लोग भी कभी बोल देंगे, बाहर के लोग तो बोलेंगे ही, वो काला है वो तो क्रीम लगा रही है। ओ हाँ, हंस के उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करेंगे। खुद जो माँ जनी होती है वो माँ भी कभी कभार बोल देती है, तुम तो काली हो, क्या तुम इतना मेकअप लगा रही हो। तो ऐसे सुनते सुनते जो काले लोग होते हैं, काली लड़कियाँ होती हैं, वो अपना गुस्सा को, अपना सब चीज़ को कंट्रोल करते करते अपना मन में सारा दुख लेके रखती है। तो मैं कहना चाहूँगी, अगर उसका शादी हो तो प्लीज़ काला अगर मिल जाए तो उससे बहुत प्यार से और बहुत सारा खुशियों से उसको रखें, क्योंकि वो तो जन्म से ही उसको बहुत सारा बातें सुनने मिलते हैं, ये वैसी वैसी काली है बोल के। हर बात में काला का एक बदसूरत का एक बात सुनना ही पड़ता है। शायद लोगों को ये समझना चाहिए, जो तो खुद से ऐसा होके नहीं आई है, भगवान ही उसको ऐसे जाने हैं और उसका क्वालिटी पे जाइए। तो मैं छोटा सा कहानी एक बताऊंगी कि लड़की, बहुत सारे बहने हैं तो एक लड़की हो गई थोड़ी काली, तो उसके लिए घर में सभी काली माँ या तो काली है तो क्या सजेगी या, लेकिन वो पढ़ी लिखी बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाली है। कोई काम जो नहीं है, जो बाकी बहनों से वो आगे नहीं है, सब चीज़ में ही आगे रहती है, लेकिन उसका हमेशा काला काला बोल के उसको हमेशा तुच्छ करके रखा जाता था। और उसका शादी के लिए भी बहुत सारे रिश्ते आए, सारे रिश्ते ठुकरा ठुकरा कर जाए। एक चीज़ जो लड़की देखने जाते हैं, जो लड़के वाले हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, जो लड़की देखने जाते हैं काला है तो उसको आप लोग ठुकरा के आ जाते हैं, तो उसका क्वालिटी पे जाइए प्लीज़। वो पढ़ी लिखी कितना है, उसका काम काज कैसा है, वो मतलब उसका व्यवहार कैसा, उस पे जाइए, ना कि उसका रंग रूप में जाइए, ऐसे मत करिए। क्योंकि एक बार अगर कोई लड़की को देख के जाता है ना, तो बहुत ही लड़की का मन में ठेस पहुंच जाता है, क्योंकि उसका उम्मीद बना रहता है शायद इस बार कोई आए तो मुझे पसंद कर ले, शायद इस बार कोई आए तो मुझे पसंद कर ले। बार बार ठुकराई हुई लड़की को बहुत मन में दुख जम जाता है। तो ऐसा ही बहुत बार ही लड़के वाले आए और नापसंद करके जाए चले गए, ऐसे बहुत बार हुआ। ऐसे करते करते उसका 5 साल तो निकल ही गया, और पैसा तो पूछिए कितना पैसा निकल गया लड़की दिखाने में और लड़के वालों को खिलाने में। तो उसके बाद लेकिन नसीब देखिए, कुदरत या करिश्मा, जो लड़के वाले पहले वो लड़की को देखे थे, बहुत ही गोरा लड़का, खूबसूरत लड़का, वही लड़का बाद में जब समझा कि वो लड़की काली होने से भी उसका जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, बहुत गुणवत्ती है, तो फिर उसी से शादी होता है। तो
तो मेरा ये छोटा सा कहानी या काला लड़की बसुर लड़की के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, इसके बारे में जरूर कमेंट बताइएगा। और मेरा ये मन की बात अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। नया व्यूअर्स है मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, फिर मिलते हो नया ब्लॉगिंग या तो नया कुकिंग के साथ।